यूपी में कर्मचारियों की हड़ताल से खड़े हुए बिजली संकट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ हुई बैठक के बाद ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने कहा, मुख्यमंत्री को पूरे मामले से अवगत कराया गया है। विद्युत कर्मचारी संघर्ष समिति के 22 नेताओं के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है। इन लोगों के खिलाफ ESMA के तहत कार्रवाई होगी। इनमें से 6 को निलंबित किया जा चुका है। ऊर्जा मंत्री ने बताया, संविदा कर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। अब तक 1332 की सेवा समाप्त कर दी गई है। शाम तक अन्य लोगों के खिलाफ कार्रवाई होगी। किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। सभी से अपील है, जनता और अपने परिवार के हित में काम पर लौटें। अगर शाम 6 बजे तक नहीं लौटने वालों को बर्खास्त कर दिया जाएगा। मैं निवेदन करता हूं कि सभी जिलाधिकारी इस बात की समीक्षा कर लें कि कोई भी ऐसा संविदा कर्मी, कोई भी ऐसा आउटसोर्सिंग का कर्मचारी ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो हमारे वेतन पर रहे और काम पर न रहे। इसलिए मैं जिलाधिकारियों को विशेष रूप से जिम्मेदारी, मंडल आयुक्त को भी कह रहा हूँ, पुलिस अधीक्षक को भी कह रहा हूँ, जनता को तकलीफ नहीं करनी चाहिए। किसी भी प्रकार से कोई न कोई व्यक्ति वो काम करते हुए पाया जाना चाहिए। हम लोग पिछले कई दिनों से, हमारे कई अधिकारी ऐसे हैं कि जिन्होंने पूरी पूरी रात जाग करके जनता की सेवा में प्रयास किया है, मैं उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज ही मैं अपने डिस्काम के एक MD से बात कर रहा था तो शुरू में मैं थोड़ा नाराज हुआ उसके ऊपर, क्यों यहाँ से वहां से समस्याएं आ रही है, शिकायतें आ रही है। फिर उसने सब बात सुनने के बाद उसने कहा कि सर मैं पूरी रात सोया नहीं, अब उसके बाद कुछ कहने को बचता नहीं है। तो इसलिए मैं उन सबको धन्यवाद देता हूँ, लेकिन अभी भी ये चुनौती पूरी नहीं हुई है। मैं सबको धन्यवाद देते हुए आगे के दिनों के लिए भी तैयार रहने को और भविष्य में जनता को कोई तकलीफ न पड़े उसके लिए जनसेवा में लगे रहने का मैं पुनः आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ। आप सबकी मदद से परिस्थिति बिल्कुल नियंत्रण में है। जैसा मैंने कहा कि सामान्य संयोग में भी हमारे घर पे टेलीफोन आते हैं, हमारे कंट्रोल रूम में 1912 इसीलिए बनाया गया है कि सामान्य संयोग में भी फॉल्ट होती है, फीडर बंद होते हैं, सब स्टेशन बंद होते हैं, उसके निवारण के लिए पूरी कंट्रोल रूम की व्यवस्था बनाई गई है। मैं पुनः कल इन सारे कंट्रोल रूम की और सारी व्यवस्थाओं को मैं स्वयं चेक करने की भी मैंने कोशिश की। कल परसों मैंने उसका मुआयना भी किया, सब कुछ ठीक अपनी जगह पे चल रहा है। 19-20 का फर्क है वर्तमान परिस्थिति में। स्ट्राइक को मैं मानता हूँ पूरी तरह से निष्फल नहीं है, निष्प्रभावी नहीं है, लेकिन फिर भी जनता को अगर कहीं कोई तकलीफ पड़ रही है तो उसे दूर करने के लिए हम लोग प्रस्तुत है। हम जब इन नेताओं को किसी भी देश की किसी भी व्यवस्था में विश्वास नहीं दिख रहा है, ऐसी स्थिति में हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि ये हड़ताल जनहित के और राष्ट्रहित के विरुद्ध है। और इसलिए हम लोगों ने आज कुछ और भी, सुबह हमने इन सारी परिस्थितियों से माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया, उनका भी मार्गदर्शन लिया, उनके भी निर्देश हमको मिले और इस सब पूर्व में कैद किए गए सारे कार्य, विशेष रूप से हाई कोर्ट के आदेश की अवमानना और हाई कोर्ट ने हम लोगों को भी कुछ आदेशित किया है कि सरकार को इसमें एक्शन लेना चाहिए, देना आवश्यक है। इसके दृष्टिगत हम लोगों ने आज निर्णय लिया है कि 22 व्यक्तियों के ऊपर एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट के तहत FIR होने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। और इस एसेंशियल सर्विसेज मेंटेनेंस एक्ट में FIR के बाद अरेस्ट करने का और 1 साल तक इंप्रिजन में, मतलब जेल में रखने का भी प्रावधान है। साथ ही अन्य लोग जो काम को सरकार के संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं या सब जनता की सेवा में करने में बाधा डाल रहे हैं, अन्य कर्मचारियों को रोक रहे हैं या हमारी ऐसी किसी व्यवस्था को विक्षेपित कर रहे हैं, उन सब के खिलाफ FIR करने का हमने निर्णय लिया है और सबको सूचनाएं दी जा चुकी है। कुछ लोगों के खिलाफ FIR हो भी चुके हैं। अभी का जो फिगर है हमारे पास उसमें 29 व्यक्तियों के खिलाफ फील्ड में नीचे की स्तर पे FIR किए गए हैं। साथ ही जिन नेताओं ने, हमने जैसा बताया पीछे के जो सारे बातें जिनकी जिम्मेदारी है, ऐसे नेताओं को चिन्हित करके
22 के खिलाफ जो इसला लगाया गया है उनमें से कुछ के खिलाफ हमने सस्पेंशन की भी कार्रवाई की है, बाकी डिटेल आपको थोड़ी देर में अभी मिल जाएंगे।